1 अप्रैल 2023 को इंडियन ऑटोमोटिव सेक्टर में आएगा एक नया रेगुलेशन RDE यानी रियल ड्राइविंग एमिशन। RDE बेसिकली 2020 में आया भारत स्टेज 6 का सेकंड फेज है। RDE रेगुलेशन नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे पोल्यूटेंट्स को रियल वर्ल्ड कंडीशन में PEMS के थ्रू मेजर करता है। रियल वर्ल्ड इसलिए क्योंकि लैब कंडीशंस में ये तो भाई आ चुके एक और नई वीडियो के साथ। तो भाई आज की वीडियो का टॉपिक जो है, जो गाड़ी अगले साल में डिसकंटिन्यू होने वाली, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ। बात कर लेते हैं अपनी पहली गाड़ी की। तो आप देख सकते हैं अपनी स्कोडा की जो मोस्ट पॉपुलर गाड़ियाँ हैं भाई, ऑक्टाविया और सुपर, ये जो है मार्केट से डिसकंटिन्यू होने वाली हैं अगले साल। और अगले साल फरवरी तक इनकी प्रोडक्शन भी बंद कर दी जाएंगी, नहीं आएगी बिकॉज ऑफ RDE। तो RDE क्या है? तो भाई रियल ड्राइविंग इमिशन नॉर्म्स, जो कि पहले 2020 में भी आया था और BS6 का वर्जन है ये, अब फेज 2 आया है। तो भाई आगे मैं आपको पूरा बताऊंगा RDE क्या है, लास्ट में क्लिप ऐड कर दूँ, आप देख लेना। दूसरी गाड़ी बात करते हैं अपनी होंडा। तो भाई होंडा की बात करें तो भाई जापानीज कार मार्केट ने भी ऑफिशियल अनाउंस कर दिया है कि वो इस साल कुछ गाड़ियां अपनी डिसकंटिन्यू कर देंगे 2023 में। कौन कौन सी गाड़ी होने वाली है भाई फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन में? बात करते हैं फोर्थ जनरेशन में अपनी कौन सी गाड़ी होगी। होंडा जायज, होंडा WRV भाई अपनी डीजल गाड़ी जो है, दोनों ही ये डिसकंटिन्यू हो जाएंगी। फिफ्थ जनरेशन में आपकी आ जाती है होंडा सिटी और होंडा अमेज। ये गाड़ियाँ भाई होंडा डिसकंटिन्यू कर रहा है बिकॉज ऑफ RDE, जो भी रूल्स हैं रियल ड्राइविंग इमिशन नॉर्म्स फेज 2 जो आया उसकी वजह से कुछ गाड़ियां भाई नहीं आएंगी मार्केट में। मैं जानता हूं आप में से कुछ लोगों के पास होगी और बुरा भी लग रहा होगा। गाड़ियां बहुत अच्छी है, नो डाउट गाड़ियां सारी अच्छी है भाई, बट क्या कर सकते हैं, अब रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। बाकी मैं साइड में फोटो डाल दूंगा RDE क्या है, आप पढ़ लेना, क्योंकि भाई अगर कुछ लोगों को मेरा अगर समझ में ना आए जो मैं बता रहा हूँ तो आप वो आर्टिकल पढ़ सकते हैं। लास्ट में एक लिंक तो डाल ही दूंगा ताकि आसानी रहे। बात कर लेते हैं भाई अपनी तीसरी गाड़ी की अल्ट्रॉस के बारे में। तो आते हैं टाटा अल्ट्रॉस के बारे में। तो भाई टाटा अल्ट्रॉस ने बहुत मार्केट में नाम कमाया, ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छी गाड़ी भाई। मैं भी टाटा ओनर हूँ एक, तो टाटा वालों ने ये बोला है कि भाई उनकी जो प्रीमियम हैचबैक, जैसे कि मैंने बोला अल्ट्रॉस, वो भाई डीजल वेरियंट जो है वो बंद कर देंगे, ऐसा सुनने में आया है। 2023 में डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों होने वाला है ऐसा? तो भाई देखो, अगर सिंपल सीधी बात है, गाड़ी अगर बनाते हैं अल्ट्रॉस वाले, फिर नया कुछ भी बन के आता है, इंजन अगर अपग्रेड हुआ तो भाई इस गाड़ी के रेट बहुत हाई हो जाएंगे, ऐसा लिखा हुआ है आर्टिकल में, आप लोग पढ़ सकते हैं गूगल पे जाके। तो भाई अपनी अगली गाड़ी जो है वो है रेनॉल्ट की क्विड। भाई बहुत प्यारी गाड़ी है, छोटी गाड़ी है और बजट फ्रेंडली गाड़ी है। इस गाड़ी ने भी मार्केट में बहुत नाम कमाया था भाई, बहुत अच्छी सेल हुई है इस गाड़ी की भी, नो डाउट। इसका भी अगर निकल के आता है तो भाई लोगों को यही कहना था कि बजट फ्रेंडली गाड़ी है, गाड़ी बहुत अच्छी है। और जो नया नॉर्म्स आने वाला है यानी कि RDE की वजह से रेनॉल्ट डिसकंटिन्यू कर रहा है अपनी क्विड 800 फ्रॉम द मार्केट, वो अब जो मार्केट में आपको ऑफर होगी रेनॉल्ट की क्विड, वो 1.0 लीटर पेट्रोल वर्जन जो वो आपको ऑफर किया जाएगा, वो क्विड 800 बाकी भाई डिसकंटिन्यू हो जाएगी। गाड़ी बहुत अच्छी, आप लोग कमेंट करके बताना, जो जो मतलब आप लोग ओन करते हैं रेनॉल्ट की गाड़ियां, तो आप लोग कमेंट करके बताना भाई। बात कर लेते हैं भाई अपनी अगली गाड़ी की। अगली गाड़ी होने वाली है भाई अपनी महिंद्रा की। महिंद्रा के भाई कई गाड़ियां, जब से स्कॉर्पियो N आई है भाई मार्केट में आग लगा रखी है स्कॉर्पियो N ने। महिंद्रा के भाई बहुत तगड़ी सेल चल रही है, स्कॉर्पियो N बहुत बिक रही है, बहुत अच्छी बात है। बात कर लेते हैं भाई अपनी अल्ट्रा, ये अल्टोरस G4 भाई, अगर गलत प्रोनाउंस किया हो तो उसके लिए सॉरी। ये गाड़ी भी भाई बहुत अच्छी है। तो भाई ये गाड़ी की भाई दिक्कत ये है कि ये गाड़ी सेल कम हुई थी महिंद्रा के हिसाब से, महिंद्रा को जितनी सेल होनी चाहिए थी, सबके उसमें होता है कि भाई गाड़ी इतनी सेल हो, लेकिन ये गाड़ी अपने टाइम पे भाई सेल नहीं हुई, जैसे अब की गाड़ियाँ भाई कितनी दबा के बिकती है महिंद्रा की, लेकिन ये जो गाड़ी है ये इतनी सेल नहीं हुई है। तो महिंद्रा ने बोला है कि उनके जो पोर्टफोलियो में था वो आउटडेटेड हो चुके हैं और अच्छे सेल नहीं हुई, जैसे कि मैंने आपको बताया। और दूसरी बात, महिंद्रा अब इन्वेस्ट नहीं करना चाहता ऐसे मॉडल्स पर जो समझ रहे हो कि क्या नाम है सेल ना हो अच्छे से, तो उन पे इसलिए डिसकंटिन्यू कर रहा है महिंद्रा की। मैं आपको गाड़ियाँ बता देता हूँ भाई,
मराजो अल्टुरस G4 ये वाली और भाई महिंद्रा KUV 100, ये तीन गाड़ियां जो है महिंद्रा की साइड से भाई डिसकंटिन्यू हो जाएगी 2023 में। भाई क्या कह सकते हैं अब RDE आया है। RDE में आपको एक्सप्लेन करता हूँ भाई है क्या, रियल ड्राइविंग इमिशन नॉर्म्स फेज 2, यानी कि भाई ये अप्लाई हो रहा है 1 अप्रैल 2023 से। इसके आने से भाई गाड़ियों के जो प्राइस हैं आपको बढ़ते नज़र आएंगे, जैसे कि मैंने पढ़ा है, जैसे कि मैंने देखा है। अगर मैं कहीं पॉइंट पे कुछ गलत हूँ तो आप लोग मेरे को बता देना। बाकी मैं आपको, आप इस वीडियो के बाद आप आगे एक क्लिप देख लेना जो कि एक्सपर्ट ने बोली है, गो मैकेनिक के एक्सपर्ट ने बोली है, तो आप वो वीडियो देख के आप अच्छे से समझ में आ जाएगा। और भाई आपकी क्या राय है इस पे, आप क्या कहना चाहेंगे, गाड़ियां डिसकंटिन्यू हो रही हैं, गाड़ियां भाई और भी हैं, जैसे सुनने को आया है कि महिंद्रा की और गाड़ियाँ हैं या फिर और भी अलग अलग कंपनी की गाड़ियाँ हैं भाई जो डिसकंटिन्यू होने वाली है, तो आप क्या बोलेंगे, आप कमेंट करके मेरे को नीचे बताना आपकी क्या राय है, अपना अपना भाई रीज़न बताना, जो भी आपको कोई दिक्कत आए तो आप मेरे को कमेंट डाउन बिलो कर देना। और आज की वीडियो के लिए इतना भाई, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 1 अप्रैल 2023 को इंडियन ऑटोमोटिव सेक्टर में आएगा एक नया रेगुलेशन, RDE यानी रियल ड्राइविंग एमिशन। RDE बेसिकली 2020 में आया भारत स्टेज 6 का सेकंड फेज है। RDE रेगुलेशन नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे पोल्यूटेंट्स को रियल वर्ल्ड कंडीशन में PEMS के थ्रू मेजर करता है। रियल वर्ल्ड इसलिए क्योंकि लैब कंडीशंस में ये एमिशन टेस्ट में काफी डिफरेंस आता था, पर अब RDE आने के बाद इंडियन ऑटो मार्केट में आएगी खलबली। कैसे, चली जाते हैं। पहला, 2020 में BS6 के आने बाद वैसे ही डीजल गाड़ियां महंगी हो गई और अब RDE के साथ ये महंगाई आसमान छू गई। छोटे डीजल इंजन जैसे सेडान और हैचबैक में होते हैं वो LNT सिस्टम यूज करके एमिशंस कंट्रोल करते थे, पर अब RDE के आने के बाद उन्हें SCR जैसे महंगे सिस्टम लगाने पड़ेंगे। बड़ी डीजल गाड़ियां यानी 2 लीटर से ऊपर की SUVs जिन्होंने ऑलरेडी SCR अडॉप्ट कर लिया है वो यहां सेफ है। दूसरा, इंडिया में डीजल हैचबैक और सेडान का मार्केट वैसे भी बुरी हालत में, तो कार मेकर्स का इन गाड़ियों में SCR लगा के कॉस्ट बढ़ा के बेचने का वैसे भी कोई सेंस नहीं बनता। आपको क्या लगता है, डीजल के दिन आ गए? ऐसे और कंटेंट के लिए सब्सक्राइब टू गो मैकेनिक। We'll be right back.